हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमारे पास पड़े हुए वेस्ट कार्डबोर्ड का यूज़ करके कैसे हैंगिंग सेल्फ को रेडी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए कार्डबोर्ड। मेरे पास इस तरह से छोटा सा बॉक्स है, यहाँ से मैं कार्डबोर्ड को कट कर लूँगी। उसके बाद मेरे पास कैडबरी सेलिब्रेशन का जो बॉक्स आता है वो मेरे पास पड़ा। मैंने सेल्फ बनाने के जो साइज़ होती है उसके हिसाब से इसको कट कर लिया है। जो मेरे पास छोटा सा कार्डबोर्ड का बॉक्स था उसमें से मैंने इस तरह से कार्डबोर्ड के दो पीसेस को कट कर लिया। अगर आपके पास बड़ा सा कार्डबोर्ड है तब उसका ही यूज़ करें, उसको कट कर लें। मेरे पास नहीं है तो मैंने इस तरह से पहले बेस दिया है और उसके बाद जो कार्डबोर्ड के छोटे छोटे पीसेस है उसको मैंने स्टिक किया है। आपके पास भी अगर बड़ा कार्डबोर्ड नहीं है तो आप इस तरह से सेल्फ को रेडी कर सकते हो। अब बैक साइड भी हम इस तरह से कार्डबोर्ड के पीस को मिडल में स्टिक कर देंगे ताकि इस तरह से जो हमारा सेल्फ है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर ग्लू को अच्छे से अप्लाई करें, उसके बाद ही कार्डबोर्ड को स्टिक करें। अब यहाँ पर मैंने इस तरह से जो क्लिप्स होती है उसको लगा दी है ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए। यहाँ पर आप ऊपर हैवी ऑब्जेक्ट होता है उसको भी रख सकते हो ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए। ऑल राइट, अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब इसको हम कवर करेंगे पेपर से। अगर आपके पास कोई पुरानी बुक हो तो उसके पेजेस का भी यूज़ कर सकते हो या फिर न्यूज़पेपर के पेजेस जो होते हैं उसको भी कवर करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हो। ऑल राइट, अब यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया है वाइट एक्रेलिक कलर। मुझे इसको सिंपल ही रखना है या फिर कोई भी कलर का यूज़ कर सकते हो। कलर के ड्राई हो जाने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से होल बना लेंगे। अगर आप इस तरह से इजीली होल नहीं बना पा रहे हो तो आप यहाँ पर ड्रिल का यूज़ करें, इजीली होल हो जाएगा। ऑल राइट, अब हम जो हैंगिंग सेल्फ रेडी करेंगे उसको थोड़ा हम डेकोरेट करेंगे। हम यहाँ पर रेडी करेंगे टेसल्स। इसको रेडी करने के लिए हम वूल थ्रेड का यूज़ करेंगे। इसको रेडी करना बहुत ही ईजी है। आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के जो वूल थ्रेड होते हैं उसका यूज़ करके टेसल्स रेडी कर सकते हो और सेल्फ को डेकोरेट कर सकते हो। वूल थ्रेड में भी बहुत सारे कलर्स होते हैं। आप सिंगल कलर वूल थ्रेड का ही यूज़ करके भी टेसल्स रेडी कर सकते हो या फिर और टेसल्स रेडी करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको घर पे रेडी नहीं करने हैं तो इस तरह के टेसल्स आपको रेडीमेड भी मिल जाएंगे। ओके, अब कार्डबोर्ड में से इसको निकाल ले और कट कर ले। यहाँ पर इस तरह से वूल थ्रेड लेके नोट लगा दीजिए।
सेल्फ को डेकोरेट करने के लिए इस तरह से मैंने और भी टेसल्स को रेडी कर लिया है। मैंने यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के टेसल्स रेडी किए हैं। क्योंकि हम सेल्फ को हैंग करने वाले हैं तो यहाँ पर मैंने इस तरह से थ्रेड का यूज किया है। हमने जो होल्स बनाए थे उसमें से हम इस तरह से थ्रेड को निकाल लेंगे और हमारी जो हैंगिंग सेल्फ है वो रेडी हो जाएगी। सबसे पहले होल में से थ्रेड को निकाल लें। अब इस तरह से बैक साइड से थ्रेड को लेना है और वहां से होल में से आगे से थ्रेड को निकाल लेना है। अब यहां पर हम नोट लगा देंगे। सेकंड साइड भी इसी तरह से सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। अब यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा थ्रेड लेके इस तरह से नोट लगा दिया है दोनों साइड्स। क्योंकि हम सेल्फ को टेसल से डेकोरेट करने वाले हैं तो उसके लिए ये मैंने एक्स्ट्रा थ्रेड यहाँ पर लगा दिया है। इस तरह से नोट लगा दें। सेल्फ के ऊपर आप फेरी लाइट्स का यूज कर सकते हो और इसको और ज्यादा डेकोरेट कर सकते हो। ऑल राइट, तो रेडी है हमारी DIY हैंगिंग सेल्फ। ये आइडिया आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है और इस तरह के आइडियाज को और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।